नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों, बहुत से नए स्टूडेंट हैं जो इस बार यूपी टीईटी एग्ज़ाम और सीटेट एग्ज़ाम को देने वाले हैं। साथ ही साथ आगे जो भी भर्ती आएगी आपकी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में टीचर्स की, उसको भी वो लोग अप्लाई करेंगे यूपी टेट और सीटेट को निकालने के बाद। तो उन लोगों का क्वेश्चन था, मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन था कि सर, ये जो मेंस होता है जिसको आप सुपर टेट भी कह सकते हैं, उसमें नंबर किस प्रकार से जुड़ते हैं और एकेडमिक, ठीक है, और एकेडमिक के नंबर किस प्रकार से जुड़ते हैं और मेंस जिसको आप सुपर टेट कहते हैं उसके नंबर किस प्रकार से जुड़ते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसके कितने नंबर आपको यहाँ पर आपकी मुख्य परीक्षा के बाद प्राप्त होंगे और आपका सिलेक्शन वहाँ पर किस प्रकार से होगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके नंबर कैसे कहाँ पर जुड़ते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखें। साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अगर आप बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटजी बना के अपने पहले ही अटैम्प्ट में यूपी टीईटी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं, तो चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए कंप्लीट गाइड लेके आए हैं, जिसमें दोस्तों 3000 से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। साथ ही साथ पिछले दो पेपर सॉल्व आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएंगे। बाल विकास, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित और पर्यावरण अध्ययन की बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसमें आपको कवर मिलेंगे। साथ ही साथ जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट गाइड है दोस्तों ये, ठीक है। और देखिए, बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इसको पूरा प्रिपेयर किया है। आपके पिछले पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन जिस भी पार्ट से पूछे गए थे, सब कुछ इन लोगों ने बताया है कि कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है और बार बार पूछा गया है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस कंप्लीट गाइड की लिंक दे रहा हूँ दोस्तों, वहाँ से जाके आप इस कंप्लीट गाइड को बाय कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन की दोस्तों अलग अलग किताबें भी आती हैं, जैसे इंग्लिश की अलग, बाल विकास की अलग, आपकी गणित की अलग, हिंदी की अलग, पर्यावरण अध्ययन की अलग, संस्कृत की अलग और ये प्रैक्टिस सेट। तो सभी को आप डिस्क्रिप्शन में बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ आपके नज़दीकी बुक डिपो से भी जाके आप इन किताब को ले सकते हैं। और देखो, गजब का इन किताबों में कंटेंट दिया गया है और बेहतरीन स्ट्रेटजी बना के आपकी यहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इन किताबों को बाय किए और जो भी आपका एग्ज़ाम है सीटेट या फिर यूपी टीईटी, बेहतरीन तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं सबसे पहले कि एकेडमिक के आपको यहाँ पे नंबर किस प्रकार से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखिए, एकेडमिक के नंबर दोस्तों आपके टेंथ के जो भी नंबर रहते हैं उनका 10% यहाँ पे लिया जाता है। जैसे कि मानिए कि आपकी टेंथ में 70% यहाँ पे बनी थी, तो यहाँ से 7 नंबर को ले लिया जाएगा। ट्वेल्थ के 10% आपके यहाँ पे लिए जाते हैं। मानिए कि आपके ट्वेल्थ में 75% यहाँ पे नंबर बने थे, तो 7.5 नंबर को आपका यहाँ से ले लिया जाएगा। ग्रेजुएशन में मानते हैं कि आपको 70% यहाँ पे मिले थे, तो 7 आपके जो 7 नंबर हैं यहाँ से मिल जाएंगे। और 10% नंबर आपके बीएड, डीएलएड या फिर अदर जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस होती हैं आपके यूपी टीईटी सुपर टेट और मेंस को देने के लिए, 10% आपके नंबर वहाँ से लिए जाएंगे। क्लियर? तो ये दोस्तों टोटल 40% आपके एकेडमिक नंबर यहाँ पे जोड़े जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 60% नंबर आपके आपका जो मुख्य एग्ज़ाम होता है, जो यूपी टीईटी और सीटेट के बाद आप जिसको देते हैं जब वैकेंसी आती है, तो 60% नंबर उसके जोड़े जाते हैं। जैसे कि आपने किसी एग्ज़ाम में 105 नंबर प्राप्त किए, जो आपका मेन एग्ज़ाम है 150 में से, ठीक है, तो 105 150 का कितना हो गया, ये होता है दोस्तों लगभग 70%, ठीक है। तो आप इस 70 का, ठीक है, 60% यहाँ पे निकालेंगे तो 70 का 60% हो गया कितना, 42 नंबर, ठीक है। तो ये 42 नंबर आप जोड़ेंगे, 60 में से आप इन 42 को मानेंगे। साथ ही साथ जो अपने एकेडमिक थे 40%, उसमें से जितना आपका स्कोर बन रहा था आप उन नंबरों को यहाँ पे जोड़ेंगे, तो आपकी फिर जाके जो फाइनल कट ऑफ है वो डिसाइड होगी कि कितनी आपकी फिर कट ऑफ बन रही है सभी की मिला के, ठीक है, और कितने पे फिर आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों बनती है। मैं फिर से आपको बता दूं आपके एकेडमिक में कौन कौन से नंबर जुड़ते हैं, टेंथ, ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन और आपकी बीएड या डीएलएड या फिर अदर जो भी क्वालिफिकेशन रहती है उसके, तो ये टोटल आपके 40 नंबर में से आपको नंबर प्रदान किए जाते हैं। और इसमें से जो आपका मेन होता है, जो आपका मेन एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसको आप सुपर टेट कहते हैं,
60 नंबर उसके माने जाते हैं, और आपका जो मैंने प्रोसेस बताया उसके अकॉर्डिंग इसमें से आपको नंबर प्रदान किए जाते हैं। तो 40 आपके एकेडमिक और 60 आपके, तो टोटल 100 में से फिर आपको नंबर यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं 150 में से, ठीक है, 150 में से आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं 150 का आप उसमें परसेंट निकाल लें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे 105 नंबर आ रहे हैं अपने 150 में से, ये कितना हो गया, ये 70% हो गया। फिर हमको 70 का 60% निकालना है, ठीक है, 70 का 60% निकालना है। मैं फिर से बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये टोटल 42 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, 7 6 42, सबको पता होगा। तो 60 में से अपन लोग 42 मानेंगे, बाकी अकेडमिक के अपन नंबर जोड़ लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, इसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो कट ऑफ है वो डिसाइड होती है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट वहाँ पर बनती है। क्लियर, चले तो यही मुझे बताना था, क्योंकि कई बार आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे व्हाट्सएप पे, तो उसका, ठीक है, सिंपली मैंने सभी के लिए वीडियो आपको प्रदान कर दी है। चलिए मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।